मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज का व्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं कुछ नया सा चीज़, जो कि आपको हम कटिहार ज़िले के कुछ नया नया दृश्य दिखाएंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बोले थे। तो सबसे पहले आप लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी बॉय राघव में। तो चलते हैं फिर कटिहार की ओर। सबसे पहले हम अपना आजमनगर स्टेशन दिखाते हैं, जो कि हम आजमनगर से जा रहे हैं कटिहार की ओर। तो सबसे पहले देख लें, ये मेरा भाई है गोविंद महलदार। गोविंद, तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोलोगे कुछ? अच्छा, पहली बार वैसे। तो देखो, सब एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम का रूम ढूंढने के लिए, जो कि इस सबके साथ में हम भी हैं शामिल। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और स्टेशन में भी कितना सारा भीड़ है। आज ज़्यादातर स्टूडेंट का ही भीड़ है, क्योंकि सब स्टूडेंट ही जा रहे हैं अपना रूम वगैरह ढूंढने के लिए। और सोचा मैं भी चले जाता हूँ, फिर दिखाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ट्रेन आ रहा है कुछ ही देर में। रुको 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 भाई, भाई ना, बैठने मिलेगा। किस में बैठो? किस में जा रहे हैं? इसमें चलो, पहले उतरने दो ना, उतरने दो पहले, तब चला जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग ट्रेन में अब बैठ गए हैं, हम लोग निकलेंगे कटिहार की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी कटिहार जंक्शन में उतर गए हैं, अब चलते हैं। आप लोग हम भी हैं? अच्छा, अपने शामिल हैं, आप सब पूरा सपोर्ट करेंगे? जरूर जरूर जरूर। देख सकते हैं, हम लोग अभी उतर गए हैं कटिहार जंक्शन में, यही ट्रेन से उतरे थे और जाएंगे अभी घूमने उमने के लिए। पहले रूम पे चले जाते हैं, तब उसके बाद घूमेंगे। अभी हम लोग सीढ़ी पार कर रहे हैं, उसके बाद ऑटो वगैरह पकड़ के जाएंगे अपना रूम ढूंढने के लिए। बगल में अभी फ़िलहाल हम लोग उतर गए स्टेशन से बाहर। चलाओ इधर, हम लोग बस ऐसे घूम रहे हैं। जी नहीं, बस बगल में है। पार्किंग चार्ज ले लेते हैं, पासे का रूम है, कहीं नहीं। मैं यहाँ पार्किंग चार्ज ये कर लेता हूँ। हम लोग ब्लॉगिंग करने आए हैं। पैदल जाएंगे, अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखिए रोड में कैसा ये भीड़ है। चलो राम राम से। सब वीडियो क्लियर करने जा रहे थे। अभी जो है, हम लोग सावधानी से बच्चे को लेकर जो है स्कूल की ओर पहुंच गए। देख सकते हैं बच्चे सब भी आगे हैं, और स्कूल का भी नज़ारा देख सकते हैं। वो पीछे जो है दुर्गा मंदिर है, और ये स्कूल का देखिए कितना बड़ा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। वो गेट से हम लोग क्रॉस होके आए थे।
तो फिर दिखाते हैं आगे की नज़ारा, तब तक के लिए यहाँ एंड करते हैं। तो यहाँ फाइनली हम लोग को रूम मिल गया और सब देखिए कितना खुश हैं, एकदम सब खुश हो ना एकदम। देखिए रूम कितना अच्छा मिल गया, बहुत भटके मतलब रूम के लिए, खोजते खोजते मतलब मिल ही गया। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, क्योंकि हम घूमेंगे, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा प्लेस मिल गया हम लोग को, मेरे भाई सबको जो है बढ़िया प्लेस मिल गया है, तो चलो सहयोग कर देते हैं थोड़ा। मान लीजिए यहाँ तो गेट बंद रहते, तो वहाँ बता के जगह वहाँ अपने वहाँ से हमारा फोन कांटेक्ट कर लेते हैं, हमारा फोन कर देते छोटू फोन कर देते ये है रूम। हम लोग इसी रास्ते से चल के आए थे और अभी रूम मिल गया, तो हमें भी खुशी हुआ और बच्चे सब भी खुश हैं। तो हम लोग अभी जो है एडवांस कुछ पैसे दे दिए, अब जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि घर से भी अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब जितने भी बच्चे हैं इसे सब एग्ज़ाम देने का, एडवांस रूम में देना ही पड़ा पैसा, क्योंकि एडवांस पहले ही देना पड़ता है ताकि रूम हम लोग का बुक हो। तो चलते हैं अभी थोड़ा घूम फिर कर लेते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, अभी खाए पिए नहीं, बहुत भूख लगा है एकदम। थोड़ा शक्ल भी दिखा देते हैं, देख कैसे शक्ल बन गया है, बोल भी नहीं पाते हैं जिस कारण हमको ठंड भी लग गया है, यहाँ ठंडा भी कितना ज़्यादा है। देखिए सब आ रहा है, सोच रहे थे कि पार्क घूम ले, लेकिन पार्क जो है बंद है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ लॉकडाउन के कारण बंद है पार्क, हम लोग घूमने के लिए सोच रहे थे घूमने, देखे ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये चिल्ड्रेन पार्क है, सोच रहे थे पार्क में घूम के मजा करेंगे, लेकिन क्या बताएं मजा खिरखिरा गया और यहाँ पार्क ही बने। लॉकडाउन जब से लगाए तो पार्क मार्क्स चल रहा है मेरे, तो कोई बात नहीं, कुछ और ही नया चीज़ मतलब देखने को मिलेगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे, कुछ देखते हैं नया चीज़ अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ बच्चे जो है जो मेरे साथ आए थे अभी जो है वहाँ पास वाले मास्क खरीदने चले गया है, और मास्क लेना भी ज़रूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए ये कटिहार का नज़ारा है, कितना भीड़ है, हम तो ज़्यादा वीडियो दिखा नहीं सकते हैं इसलिए कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं। हाँ पैदल जाएंगे, अभी काफ़ी लोग थक गए हैं चलते चलते, सब परेशान हो रहे हैं, बारह तो मेरा माखी से रख रहा है, क्या कहें, बहुत थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तब उसके बाद कुछ जो है दिखाया जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा कोई होटल में या कहीं भी मतलब जो है नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, ताकि पेट का ज्वाला शांत हो जाए। अभी हम लोग देख सकते हैं खाना खाने बैठ गए हैं, अब देख सकते हैं फिर मिलते हैं आगे की। तो अभी हम लोग का खाना खाया हो गया और हम लोग चलते हैं अपना जो है मेरा अपना डेरा, अपना घर में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा घूम फिर के आते हैं, बहुत दिन से घूमने नहीं गए तो सोचते हैं कि वहाँ से भी घूम फिर के आ जाते हैं। देख सकते हैं सभी का खाया हुआ हो गया और निकलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम आ गए हैं कटिहार का राजेंद्र स्टेडियम, देख सकते हैं ये स्टेडियम कितना बड़ा है, यहाँ हर बच्चा मतलब खेलता है, और भी कई सारे जैसे आर्मी की रैली, बिहार पुलिस की रैली, इसी में दौड़ किया जाता है।
स्टेडियम का बैठक से भी मज़ा ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ कैसा मज़ा आ रहा है। वाह, देख सकते हैं अभी यहाँ सब तो सीट तोड़ फोड़ दिया है, यहाँ के बच्चे सब जो भी है, लेकिन यहाँ बैठने का बहुत आनंद मिलता है। अभी तो सीट नहीं है, जब काम जो होता है मतलब खेल शुरुआती होता है तो सीट लगा दिया जाए। देखिए सभी बच्चे कटियार फील्ड है, ये राजेंद्र स्टेडियम इसका नाम है। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, देख सकते हैं कि सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं और कितना अच्छा से मौज मस्ती कर रहे हैं। मेरा तो बाल भी खराब है, कैसा दिख रहे हैं पता नहीं। हमें जेल में जबरदस्ती फंसाया गया है साहब, हमारा कोई गलती नहीं था, फिर भी इस फील्ड में लाके छोड़ा गया। अच्छा, देख रहे हैं कि अभी हम लोग स्टेडियम के बाहर निकल आए हैं, यही गेट था, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, फिर आप सबको दिखाते हैं। वो ये है कटिहार के नया ओवर ब्रिज, वाह मज़ा आ गया। ये है हमारे कटिहार ज़िले के नया ओवर ब्रिज जो कि 2022 में बने हैं, वाह क्या मस्त नज़ारा है। चलिए आगे हम दिखाते हैं कैसा है ये ओवर ब्रिज। ये पुल जो है तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें और भी बाकी सब काम जो है चल रहा है। Thank you.
दोस्तों, अभी हम जो है और एक नया यूट्यूबर से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है बफर नाइट। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे भाई, इनका चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है भाई, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। और इनका भी करना बफर नाइट का, जो कि मेरा नया नया दोस्ती बना है। और हाँ, जो भी आप बोल दीजिए, खुद हमको तो उतना देखो भाई, एक्चुअली ऐसा है ना कि मैंने इनका चैनल बहुत दिन से चेक कर रहा हूँ। दिस इज़ अमेजिंग वीडियो, ही इज़ मेकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग वीडियो। सो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, लाइक करना जरूर, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। और जो भाई लोग मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, तो इन भाई का भी चैनल को सपोर्ट करना।